भी मेरा है बहुत पहले से, बचपन से जड़ी बूटियों में रहा हूँ। और सेकंड ये कि आज वाकई ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए क्योंकि आज एक तो पॉल्यूशन बहुत है, सेकेंडली जो इंग्लिश मेडिसिन है उनकी टॉक्सिसिटी बॉडी में हो जाती है और वो टॉक्सिसिटी एक बीमारी से ठीक करती है दूसरी बीमारी से पैदा होता है। और हमारा जो नेचुरल कहते हैं आयुर्वेदिक का जो तरीका है और खासतौर से जो जड़ी बूटी है हमारे यहाँ उत्तराखंड में है, ये समझ लीजिए किंगडम है जड़ी बूटी, तो वो जड़ी बूटियां जो है हमारे जिसम में जो टॉक्सिसिटी एलोपैथिक दवाइयों से हो जाती है या दूसरी चीजों से हो जाती है, मिसाल के तौर पर हम रिफाइंड समोसे खा रहे हैं, पूरी कचौरी खा रहे हैं, तो रिफाइंड में प्लास्टिक सोडा होता है या सल्फर होती है चीनी में जो हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो हमारी बॉडी में रह जाता है और वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट रहता है, वो निकल नहीं पाता जब तक कि उसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ना मिले। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है खासतौर से उसमें हम हमारे खुद नेचुरल मेडिकल कॉलेज में बहुत पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, तो उसमें खासतौर से सहारनपुर में हमने बनाया है, तो उसमें हम उसको शिरोधारा देते हैं, दो धारा देते हैं, गायु धारा देते हैं और साथ साथ ब्लड थेरेपी देते हैं और क्रोमोलॉजी यानी कलर से भी इलाज करते हैं और हाइड्रोलॉजी पानी से भी इलाज करते हैं। तो जब हम उनको ये जो सब्सक्रेन जिनसे हम बने हैं पांच तत्वों से हम बने पांच तत्वों से हम इलाज करते हैं तो उनके अंदर जो टॉक्सिसिटी होती है तो टॉक्सिसिटी अपना निकल जाती है। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि दरअसल आज हम भाग दौड़ में तरक्की में रफ्तार में सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार कर रहे हैं अपने शरीर के साथ, कभी भी इतना दुर्व्यवहार नहीं होता था। जैसा आपने कहा कि बुजुर्ग ज्यादा सेहत का ख्याल रख रहे हैं, जो आज की युवा पीढ़ी है वो तो बस मस्त रहना जानती है, बहुत सारा काम करना, बहुत सारा स्ट्रेस लेना और उसके बाद उसको मस्ती चाहिए, लेकिन इसमें शरीर का क्या हो रहा है ये एक बड़ी चिंता की बात हो गई है। बहुत सारे आंकड़े आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि हमें सचेत हो जाना चाहिए, ये वक्त आ गया है। तो एनएमसी हॉस्पिटल से अस्तर खान साहब हमें समझा रहे थे कि कैसे आयुर्वेद के जरिए इसको हासिल किया जा सकता है। दीपक वैद्य साहब, डॉक्टर दीपक वैद्य साहब हमारे साथ में ऑनर है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की। आयुर्वेद में संतुलन की बात की है, थोड़ा सा साइड चलनी है या उस साइड चलिए भैया आप।